पिंजौर के मल्ला रोड पर एक बस पलटी है और बस के पलटने से 50 से ज्यादा लोग, जिसमें स्टूडेंट ज्यादा थे, बच्चे थे, घायल हुए हैं। और ये ड्राइवर जो बस चलाकर निकालकर लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा थे, 100 से ज्यादा बच्चे थे। 120 वहाँ जो हम गाड़ी निकालने के लिए गए ना, वहाँ की पब्लिक ये बता रही थी, आगे कहा जवाब, वहाँ की पब्लिक ये बता रही थी जो स्थानीय लोग थे, इसमें 119-120 सवारी थी। अच्छा, हाँ, उसके कारण हादसा होया ही, हमने तो अंदाजा लगाया है, क्योंकि वहाँ के वासी बोल रहे थे ये बात। अच्छा। हम स्थानीय लोग जब हम वहाँ गाड़ी निकालने के लिए गए, कितनी गहरी खाई में बस गिरी हुई थी? वो रोड से थोड़ा नीचे थी, ज्यादा गहरी मनी थी, नहीं, ये पाँच सात फुट नीचे थी। पलट गई थी? हाँ, पलट गई थी। शीशे वगैरह टूटे, क्या क्या डैमेज हुआ है? ये बॉडी टूट गई इसकी, ये शीशे वगैरह टूट गए। सवार कितने? 100 से ज्यादा लोग सवार? 120 वहाँ के जो स्थानीय नागरिक थे वो ये बोल रहे थे, 120 सवारी थी। फिर लोड भी था इसमें, टमाटर वगैरह दे अंदर खंड रहे, जो स्थानीय लोग सब्जी उगाते हैं वो सब्जी भी, और लोड के कारण ये हादसा हुआ है। नहीं, सरकारी अपनी हरियाणा रोडवेज की पंचकूला डिपो की बस है। हमारे को 1.5 घंटा लग गया है गाड़ी निकालने में। और जब आपने निकाला तो जो इंजर्ड हुए हैं उसमें कौन कौन है और कहां कहां उनको भेजा है? किस तरह की जो मिनी बस है? हमने इस चीज का जो मालूम नहीं, हम जब वहां निकालने के लिए गए हैं तब लग सभी जा लिए थे, बच्चे वहां कोई नहीं था, स्थानीय आदमी थे। कितना लगा बस निकालने में? 1.5-2 घंटा लग गया। 1.5-2 घंटा? हाँ। और कितने बजे हादसा हुआ? हादसा तो सुबह 7:40 के करीब बता रहे हैं। ये रोड कौन सा, जहाँ से बस आ रही थी, कहाँ जा रही थी? ये डबरोग से आ रही थी। डबरोग? हाँ, डगरोग। हाँ, ये हरियाणा में है। कलका के लिए जा रही थी। हाँ, कलका डिपो की बस थी। अब इसको हमें थाने में खड़ी करेंगे जी, हमारे को ये बोली है प्रशासन ने, पिंजौर थाने में खड़ी कर दो इसको। मैं करेन का ड्राइवर हूँ जी, संजय कुमार। कितने काल के लिए आए हैं? हमने कोई वो नहीं, अच्छा होने दिया। संजय कुमार जैसे बता रहे थे कि 1.5 घंटा इस बस को निकालने में लगा, और 1.5 घंटे में इस बस कैसे क्षतिग्रस्त है आप देखिए। आपको कांच के टुकड़े, टमाटर, जो सामान अंदर था बस के, वो बिखरा नजर आएगा। और साथ ही क्योंकि इसमें जो ट्रेवल कर रहे थे वो बताया जा रहा है कि 119 के करीब, 112-115 लोग थे जो ट्रेवल कर रहे थे, जो बताया गया है, जो वहाँ पे स्थानीय लोग थे, यानी कि ये बस ओवरलोडेड थी। हालांकि 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हैं, और उनमें से एक क्रिटिकल इंजर्ड है, जो लेडी हैं, जिनको पीजीआई रेफर किया गया। और बस की आप हालत देखिए, आपको ऊपर तक छत तक टमाटर चिपके नजर आएंगे, बस की जो पूरी बॉडी है जितनी लोहे की वो डैमेज है, और साथ ही इस पे डेंट हैं, शीशे टूटे हुए हैं, टमाटर ऊपर तक आपको फंसे नजर आएंगे। और ये जो संजय कुमार जैसे बता रहे थे कि उनके द्वारा इस बस को निकाला गया है, 1.5 घंटा लगाकर उन्होंने बस, क्योंकि पलट चुकी थी तो इसको सीधी कर निकाला, और अभी बस चलने की हालत में, इसीलिए इसको चलाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही पुलिस स्टेशन ले जाकर, अगली कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बस की हालत आप देखिए कि किस तरीके से डैमेज है, और पूरे डेंट जो है पूरे बस पर आपको नजर आएंगे। हरियाणा रोडवेज की ये मिनी बस है, और पिंजौर के अंदर ये हादसा हुआ है। डबरोग से ये बस आ रही थी और कालका आगे इस बस को लेकर जाया जा रहा था। 7:40 की सुबह की घटना है, और पूरी बस ये हरियाणा रोडवेज की डैमेज है। हालांकि जिनको भर्ती करवाया गया उनका इलाज जारी है, जो इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे उनको सस्पेंड प्रशासन ने कर दिया है। और उसके बाद भी अगली इस हादसे के मुतल्लक मॉनिटर किया जा रहा है कि अगर किसी को सहायता की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकल तौर पर हो, चाहे वो वित्तीय तौर पर हो, उसकी भी उस पर भी गौर की जा रही है। और आप बस की कंडीशन देखिए, इसको अब यहाँ से कालका पुलिस स्टेशन लेकर जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता, साथ अमन भारद्वाज, पिंजौर।